सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट क्या था, इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट है, विद द बिगिनिंग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट द इंडियन नेशनल मूवमेंट टुक अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वीमेन, अर्बन एंड रूरल पीपल वर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार इस मूवमेंट में सभी तरह के लोग, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, वुमेन हो गई, अर्बन और रूरल पीपल वर इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। दस द स्वदेशी मूवमेंट मेड अ बिगिनिंग टूवर्ड्स मास मूवमेंट थ्रू ऑन दो ऑन अ लिमिटेड बेसिस। भले ही एक लिमिटेड बेसिस पे हो, यानी कि कुछ ही लोग हों, लेकिन सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए स्वदेशी मूवमेंट में। अभी हम लोग देखेंगे इसका रीज़न क्या क्या था, क्यों स्वदेशी मूवमेंट सामने आया। दूसरा पॉइंट है, बॉयकॉट वॉज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ द मूवमेंट। वेमेन रिफ्यूज टू वेयर फॉरन बैंगल्स, कॉबलर्स ऑब्जेक्टेड टू मेंडिंग द फॉरन शूज़। तो बॉयकॉट किया जाने लगा। बॉयकॉट का मतलब है कि जो भी फॉरेन गुड्स थे उनसे बॉयकॉट, यानी कि उनका, जैसे कि आप अभी सुनते होंगे कि दिवाली के टाइम पे चाइनीज़ बॉयकॉट होता है, यानी कि चाइनीज़ झालर नहीं खरीदेंगे, इंडियन ही खरीदेंगे। तो वैसा ही पहले उस टाइम हुआ, जिसमें कि विमेंस ने बैंगल्स जो होते हैं वो फॉरेन बैंगल्स पहनना बंद कर दिया। जो भी मोची थे, जो भी फॉरेन शूज़ थे उनको सिलना है, फिर उनको ठीक करना बंद कर दिया। जो भी धोबी होते थे वो फॉरेन जो भी कपड़े होते थे उनको नहीं धोते थे। तो एक तरह का बॉयकॉट चालू हो गया। तीसरा पॉइंट है, दिस मूवमेंट एम्फसाइज्ड ऑन सेल्फ रिलायंस ऑन आत्मशक्ति। इट गेव न्यू कॉन्फिडेंस एंड प्राइड अमंग द पीपल इन द इकोनॉमिक फील्ड। इट मेंट ओपनिंग इंडिजिनस इंडस्ट्रीज लाइक बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री ओपेंड बाई पी सी रे, वी ओ चिदम्बरम पिल्लई ओपेंड स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। तो एक तरह का सेल्फ रिलायंस या फिर आत्मशक्ति उभर के आया, जिसके तहत अभी देखा आपने कि बॉयकॉट चालू हो गया। तो अगर बॉयकॉट चालू हो गया, जैसे कि मान लीजिए आप चाइनीज़ झालर नहीं खरीदेंगे तो आप कौन सी खरीदेंगे, जो कि इंडिया में बनी हो। तो इंडिया में बनी भी तो होनी चाहिए कोई, क्योंकि आपको झालर तो चाहिए। इसी इसी तरह जो नई, यानी कि एक तरह से मेड इन इंडिया टाइप में चालू हो गया, और ये बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री शुरू की पी सी रे ने। और इसी तरह एक ये तो केमिकल्स फैक्ट्री हो गई, जिसके तहत मेडिसिन वगैरह बनना चालू हुई हुई। और वी ओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू किया, जिसमें कि जो शिप्स वगैरह हैं वो बनाने जाने लगे। फिर चौथा पॉइंट है, दिस मूवमेंट सॉ द एमर्जेंस ऑफ अ नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हु वर ऑर्गेनाइज इन टू ग्रुप्स नोन एज समितिज, लाइक स्वदेश बांधव समिति सेटअप बाई अश्विनी कुमार दत्त। तो समितिज बनना चालू हो गई, और एक समिति बनी जिसका नाम था स्वदेश बांधव समिति, जो कि बनाई अश्विनी कुमार दत्त ने। अभी क्यों बनी, अभी ये देखिए। द मेंबर्स ऑफ दीज समितिज ट्रेवल्ड टू रूरल एरियाज एंड पॉपुलराइज स्वदेशी सॉन्ग्स, प्रोवाइडेड रिलीफ टू द पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी एंड सेटअप आर्बिट्रेशन कोर्ट। तो इस समितिज का काम क्या था कि गाँव में जाएँ और स्वदेशी सॉन्ग, जैसे कि वंदे मातरम हो गए, तो इसको पॉपुलराइज करें। मेन एम यही था कि सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ताकि ये बॉयकॉट और अंग्रेज़ों के खिलाफ ही एक तरह से बहुत बड़ा संग्राम छेड़ा जाए। एंड दे प्रोवाइडेड रिलीफ टू द पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी, यानी कि कुछ भी जैसे बाढ़ वगैरह आती है, फिर कुछ भी बीमारी होती है, तो उसमें इनको रिलीफ देते थे लोग। ठीक है, जो भी कमिटी, जो भी समितीज बनी। और सेटअप आर्बिट्रेशन कोर्ट, यार आर्बिट्रेशन कोर्ट क्यों बनाए, क्योंकि एक तरह से उन्होंने बोला था कि देखिए, अगर बॉयकॉट कर रहे हैं तो पूरी तरह से ही बॉयकॉट करना पड़ेगा हर चीज़ का। कोर्ट्स तक में अगर, जैसे कि कुछ मैटर हो गया, कुछ आपस में एक लोग लड़ गए, तो कहाँ पर जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे अपना मैटर रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन चूँकि उस समय ब्रिटिश कोर्ट्स ही थी, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश की कोर्ट्स में ही जाना पड़ेगा। तो एक तरह से बॉयकॉट के खिलाफ हो गया, तो इसी वजह से उन लोगों ने आर्बिट्रेशन कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए, जिसमें कि लोगों के मैटर्स, आपसी मैटर्स रिजॉल्व किए जाने लगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, दिस मूवमेंट मैनिफेस्टेड इट सेल्फ इन द फील्ड ऑफ कल्चर एज वेल एज लिटरेचर। पोएम्स, पेंटिंग्स ऑन नेशनलिस्ट थीम्स वर मेड। ठीक है, इट वॉज एट दिस टाइम दैट रबींद्रनाथ टैगोर रोट अमर सोनार बांग्ला। तो एक तरह से ये देखिए, समितीज़ बनी, बॉयकॉट हुआ, और यहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश हुई, चालू होने लगी, और लिटरेचर पोएम्स, तो ये सब क्या दिखा रहा है कि एक तरह से स्वदेशी मूवमेंट के तहत क्या क्या होने लगा। तो लिटरेचर पोएम्स और पेंटिंग्स के थ्रू
लोगों को रिझाया जाने लगा, जैसे कि रवींद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला लिखा, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो बांग्लादेश का ये नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, हिज नेफ्यू यानी कि रवींद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू जो थे अबरिंदर नाथ टैगोर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही मेड अ फेमस पेंटिंग भारत माता, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई बहुत फेमस भारत माता, जिसमें कि चार हाथ दिखाया गया, जिसमें कि एक हाथ में उनके बुक थी, किताब थी जो कि एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, रुद्राक्ष था एक हाथ में जो कि स्पिरिचुअलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, अ शीव ऑफ कॉर्न था यानी कि एक वो एक इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा था कि किस तरह जो ब्रिटिशर्स हैं भारत को लूट रहे हैं। ठीक है, कॉर्न मतलब यहाँ पर भुट्टा, ठीक है, और अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो कैसे इस तरह से जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको ले रहे हैं। तो दिस पेंटिंग रिफ्लेक्टेड द कलेक्टिव एस्पिरेशंस ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियंस। अब यहाँ पर देखिए प्लेसेज और लीडर्स, यानी कि कौन सी जगह में स्वदेशी मूवमेंट को किसने लीड किया, तो बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में अश्विनी कुमार दत्त ने ये लीड किया, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को। दिल्ली में अगर बात करें तो सैयद हैदर रजा ने लीड किया इसको, और पंजाब में आप देख सकते हो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ठीक है, अरिजीत सिंह नहीं है, अजीत सिंह है, और बॉम्बे और पूना में बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, और मद्रास में चिदंबरम पिल्लई ने। अभी उन लोगों ने चिदंबरम पिल्लई के बारे में कुछ और एक चीज़ और देखी थी, जिसमें कि उन्होंने क्या किया था, अब देख सकते हो चिदंबरम पिल्लई ओपन स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, ठीक है, और अश्विनी कुमार दत्त जिन्होंने कि बंगाल से मूवमेंट को लीड किया, उन्होंने क्या बनाई थी, बांधव समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश से किसने लीड किया था, आंध्र प्रदेश से लीड किया था टी प्रकाशन और कृष्णा रॉय ने, ठीक है। वाइल द मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन शार्प रेफरेंसेज एमर्ज बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट भले ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, लेकिन जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे उनके डिफरेंसेस थे, यानी कि दोनों इसमें हिस्सा ले रहे थे, लेकिन हिस्सा लेने का एक अलग ही उनका मेथड एक था और एक अलग सोच थी। जैसे कि अब आप जैसे कि देखिए ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मैंने लिख रखे हैं कि क्या उनका आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंसेस थे, यानी कि मॉडरेट्स क्या सोचते थे और एक्सट्रीमिस्ट क्या सोचते थे। तो पहला देखिए, पहला डिफरेंस है मॉडरेट्स वांटेड टू कन्फाइन द मूवमेंट टू ओनली बंगाल, यानी कि मॉडरेट्स चाहते थे कि सिर्फ बंगाल तक ही ये मूवमेंट सीमित रहे। दूसरा है जो एक्सट्रीमिस्ट क्या सोचते थे कि वांटेड टू स्प्रेड द मूवमेंट अक्रॉस इंडिया, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट वांटेड चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट पूरे भारत में फैले। दूसरा है डिफरेंस कि मॉडरेट्स वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ बॉयकॉट टू द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स ओनली, और एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू इंक्लूड द प्रोग्राम ऑफ बॉयकॉट टू ईच एंड एवरी थिंग विच कुड बी रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विद ब्रिटिश, लाइक रेलवेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्कूल्स, पोस्ट ऑफिसेज। तो मॉडरेट्स चाहते थे कि जो बॉयकॉट हो रहा है, अभी मैंने बॉयकॉट के बारे में आपको बताया, तो वो सिर्फ फॉरेन गुड्स यानी जो विदेशी सामान है उसी के खिलाफ हो, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो भी चीज़ अंग्रेज़ों से कुछ भी उसका लेना देना है उन हर चीज़ का बॉयकॉट होना चाहिए, जैसे कि रेलवे हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, हर चीज़ का बॉयकॉट होना चाहिए, लेकिन मॉडरेट्स सिर्फ फॉरेन गुड्स तक ही सीमित थे, वो नहीं चाहते थे कि इन चीज़ों का भी ये बॉयकॉट हो। फिर तीसरा डिफरेंस, तीसरा तो नहीं है कॉमन, वही तीसरा ये बोल सकते हो, द टू साइड्स वर आल्सो डिवाइडेड हु वुड बी द प्रेसिडेंट फॉर द 1906 सेशन, तो जो 1906 का सेशन था उसमें कौन प्रेसिडेंट रहेगा उसमें भी इनका एक मत, एक ही एक मत नहीं था। वो क्या चाहते थे मॉडरेट्स, पहले तो एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट बने, और ये जो सेशन है बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट बने और ये नागपुर में सेशन हो, कहाँ पे, नागपुर में। लेकिन मॉडरेट्स क्या चाहते थे, मॉडरेट्स चाहते थे कि सूरत में सेशन हो और राज बिहारी घोष इसमें प्रेसिडेंट बने। अब सूरत में क्यों चाहते थे मॉडरेट्स, इस वजह से चाहते थे क्योंकि उस टाइम का रूल था कि अगर जैसे कि होस्ट ये सिटी है, ठीक है, होस्ट प्रेसिडेंसी सूरत है, तो सूरत का अगर कोई भी बंदा होगा या फिर जो भी प्रेसिडेंसीज़ सूरत के अंडर आती हैं, अगर उसका कोई बंदा होगा तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। समझ सकते हो आप, समझ रहे हो आप, जैसे कि
जैसे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है कि गवर्नर कोई राज्यपाल है तो उसी राज्य का वो नहीं हो सकता। जैसे कि बिहार में अगर कोई राज्यपाल बनाना है आपको तो बिहार का नहीं होना चाहिए, किसी और स्टेट का होना चाहिए। इसी प्रकार उस तब भी था कि जो भी प्रेसिडेंट बन रहा है उस इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो उसी प्रेसिडेंसी का नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है वो सूरत में इसी वजह से चाहते थे क्योंकि बाल गंगाधर तिलक उसी प्रेसिडेंसी में आते थे, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे जो कि सूरत प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। तो अगर उस सूरत में रख देंगे सेशन तो अपने आप बाल गंगाधर तिलक नहीं बन पाएंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के जो मत थे उस सेम नहीं, तो नहीं चाहते थे बाल गंगाधर तिलक बने, वो चाहते थे राज बिहारी घोष प्रेसिडेंट बने। द कांग्रेस एट इट्स कैलकटा सेशन, देखिए अभी जो बॉयकॉट स्वदेशी मैंने सब बताया, ये एक तरह से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, यहाँ पर मैंने जिक्र नहीं किया उसका, लेकिन मेन रीज़न क्या था, जो पार्टीशन था बंगाल का वही था, ठीक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो पहले ये देखते हैं, द कांग्रेस एट इट्स कैलकटा सेशन 1906 विच वॉज हेड प्रेसिडेंटेड बाई दादाभाई नौरोजी डिमांडेड स्वराज। दिस सेशन इज हिस्टोरिक एज फॉर द फर्स्ट टाइम द सिटिंग प्रेसिडेंट डिमांडेड स्वराज। दिस सेशन पास्ड फोर रेजोल्यूशंस। तो ये 1906 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कैलकटा में, दादाभाई नौरोजी उसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्वराज का डिमांड किया। स्वराज का देखिए यहाँ पर क्लियर मीनिंग मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि क्लियर मीनिंग तब भी नहीं बताया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। इसी वजह से आप देखेंगे कि बाद में कुछ मॉडरेट्स कुछ और उनकी राय थी स्वराज के रिगार्डिंग और एक्सट्रीमिस्ट की कुछ और थी। जैसे मॉडरेट्स का स्वराज का मतलब था कि सेल्फ रूल, और एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि पूरी तरह से इनको भगा देना ब्रिटिशर्स को। तो उसका इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया गया था स्वराज को। और फोर रेजोल्यूशन भी पास किया, लेकिन पहली बार स्वराज की बात की गई, इस वजह से ये जो सेशन है वो हिस्टोरिक है। और इसमें फोर रेजोल्यूशन भी पास किए गए, दृढ़ निश्चय लिए गए स्वदेशी के, स्वराज का, नेशनल एजुकेशन का और बॉयकॉट का, ठीक है। फिर है, हाउ एवर द अबव मेंशन डिफरेंसेस लेड टू सूरत स्प्लिट। तो अब देखोगे जो डिफरेंसेस अभी मैंने बताया, ये जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताया है, इसकी वजह से क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ। अब 1907 का सेशन है वो मैंने आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक वो चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट से चाहते थे बाल गंगाधर तिलक बने और सेशन नागपुर में हो, लेकिन मॉडरेट्स चाहते थे सूरत में हो। लेकिन क्योंकि सूरत जो मॉडरेट्स थे वो मेजॉरिटी में थे कांग्रेस में, तो इस वजह से जो सेशन है वो सूरत में ही हुआ और वहीं से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए और प्रेसिडेंट बने राज बिहारी घोष, जैसे कि मॉडरेट्स चाहते थे, क्योंकि मॉडरेट्स अभी मैंने बताया आपको मेजॉरिटी में थे, इस वजह से उन्हीं की सुनी गई और सूरत में ही सेशन हुआ। और जो एक आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, द मॉडरेट्स कैप्चर्ड द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेल्ड द एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि मॉडरेट्स ने पूरा कांग्रेस पर कब्जा जमा लिया और एक्सट्रीमिस्ट को एक तरह से भगा दिया, कांग्रेस के अब वो मेंबर्स नहीं रहे, ठीक है। फिर है यहाँ पर, द ब्रिटिशर्स फॉलोड अ डुअल पॉलिसी। तो ब्रिटिशर्स ने एक तरह से डुअल पॉलिसी फॉलो करी। डुअल पॉलिसी क्या है, पहली पॉलिसी है सप्रेसिंग द एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि अब देखिए डुअल पॉलिसी क्या है, अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट अगर हो रहा है तो किसको मजा आएगा, अगर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में झगड़ा हो रहा है तो किसको मजा आएगा, ब्रिटिशर्स को मजा आएगा। जिस प्रकार अगर किन्हीं दो भाइयों में लड़ाई हो रही है तो किसको मजा आएगा, जो नेबर वाला है पड़ोस वाला है उसको मजा आएगा ना। तो इसी प्रकार वो क्या करना चाहते थे, क्योंकि मॉडरेट्स क्या करते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही वो जो भी प्रोटेस्ट नहीं करते थे, ऐसा नहीं कि जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट आप देखो कि बॉम्ब कहीं फेंक दिया लड़ाई झगड़े में, वो मॉडरेट्स नहीं थे। मॉडरेट्स नाम से ही आप देख सकते हो कि बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, लॉ के कानून के दायरे में रह के ही कुछ भी चीज़ करते थे। तो इसी वजह से, और वो अगर आपको पता हो तो मॉडरेट्स वो उनका ये मानना था कि ब्रिटिशों का रूल बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए, क्योंकि वो मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटिशर्स हैं अंग्रेज हैं मॉडरेट्स का सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल इसके विरुद्ध थे, वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहें बिल्कुल भी। इस वजह से इनको क्या किया, सप्रेस किया, दबाया ब्रिटिशर्स ने। तो वही दोनों पॉलिसीज हैं यहीं, पहला सप्रेसिंग द एक्सट्रीमिस्ट यानी कि एक्सट्रीमिस्ट को दबाया, कैसे दबाया, बाल गंगाधर तिलक वॉज अरेस्टेड इन 1908 एंड सेंटेंस टू मांडले जेल बर्मा फॉर 6 ईयर इन द जेल। इन द जेल ही रोट अ कमेंट्री ऑन गीता नोन एज गीता रहस्य। तो 1908 में इनको जेल भेज दिया गया 6 साल के लिए, मांडले जेल जो कि बर्मा प्रेजेंटली म्यांमार में है, ठीक है।
और इन्होंने जेल में रहते हुए गीता पे कमेंट्री लिखी जिसको बोलते हैं गीता रहस्य। और बिपिन चंद्र पाल ने एक तरह से रिटायरमेंट ले लिया एक्टिव पॉलिटिक्स से। ये सभी किसके हैं, एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स हैं। अजीत सिंह ने ही वॉज डिपोर्टेड टू यूरोप, यूरोप इनको भगा दिया गया। लाला लाजपत राय ही वेंट टू यूएस, यूएस भाग गए। फिर है अरबिंदो घोष, ही वॉज अरेस्टेड इन 1908 एंड ट्राइड इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। 1908 में कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ बहुत फेमस, जिसमें कि दो बंदे थे, एक तो था ये आपका प्रफुल्ल चाकी था, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुर्दीराम बोस, ठीक है। तो प्रफुल्ल चाकी और खुर्दीराम बोस ने क्या किया, बॉम्ब फेंका। इसमें देखिए बॉम्ब किसी और के ऊपर फेंकना था, डगलस फोर्ड जो था उसके ऊपर, लेकिन उस समय का जो बैरिस्टर था उसके जो वाइफ और डॉटर थी उनकी जो एक आप बोल सकते हो कैरियज में इन लोगों ने बॉम्ब फेंक दिया। तो इन लोगों को एक तरह से उसमें अरबिंदो घोष का कुछ ऐसा रोल नहीं था, इन बाद में इनको बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ़ कुछ सभी सबूत नहीं मिल पाए। लेकिन इसमें बॉम्ब किसने फेंका तो मैंने आपको बताया, और जिसमें कि जो प्रफुल्ल चाकी है उसने तो सुसाइड कर लिया और जो बोस है इनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और इसमें अरबिंदो घोष के खिलाफ क्योंकि कुछ सबूत नहीं मिल पाए तो इन्होंने क्या, इनको बरी कर दिया गया। और बाद में ये पौंडीचेरी भाग गए क्योंकि पौंडीचेरी में उस समय फ्रेंच का रूल था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिशर्स नहीं थे, इस वजह से वहाँ पर पौंडीचेरी में चले गए और इन्होंने अपना आश्रम खोल लिया। तो एक तरह से ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसके बढ़ गए और तब से ये फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में उन्होंने कभी कदम ही नहीं रखा। फिर दूसरा, टू अपीज द मॉडरेट्स ऑफ द ब्रिटिश। तो अभी मैंने बताया दो पॉलिसी फॉलो की, एक तो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस करना, दबाना, और मॉडरेट्स को सपोर्ट करना। तो टू अपीज द मॉडरेट द ब्रिटिशर्स अनाउंस द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स प्रोविजन। तो अब देखेंगे हम 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस समय जो मॉर्ले था वहाँ का सेक्रेटेरिएट था और मिंटो वॉइसरॉय था, तो इस वजह से इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो अब इसके प्रोविजंस देखते हैं कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाया गया इसके क्या क्या प्रोविजंस थे। तो पहला प्रोविजन है, इट इंट्रोड्यूस्ड इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम दो द इलेक्शंस वर इनडायरेक्ट, यानी कि पहली बार इलेक्शंस इसने इंट्रोड्यूस किया सिर्फ एक्ट ने, भले ही ये इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। इनडायरेक्ट कैसे थे कि द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वुड वोट फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ने जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए वोट करेंगे, ठीक है। एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वुड वोट फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग प्रिंसिपल जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसके लिए वोट करेंगे, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए। तो एक तरह से इनडायरेक्ट, जिस प्रकार आप इस समय प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा को देखते हो, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने इलेक्ट किया लोकसभा के मेंबर्स को, और लोकसभा तो नहीं कहूँगा, आपने इलेक्ट किया जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनको इलेक्ट किया, और फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं वो इलेक्ट करती हैं जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। तो एक तरह से आपने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया, तो वैसे ही इनडायरेक्ट इलेक्शन चालू हुए पहली बार। दूसरा है, देयर लेजिस्लेचर्स वर एडवाइजरी बॉडीज एंड हैड नो कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, उनका कोई कंट्रोल नहीं था एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तीसरा है द एक्ट प्रोवाइडेड एन इंडियन मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। भले ही मॉडरेट्स की डिमांड थी कि दो मेंबर्स होने चाहिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल कैसी थी, 4+1 मेंबर्स थे, 4+1 ऐसे थे और 6 अलग से थे लॉ मेंबर्स, ठीक है। तो जो 4+1 में है इसमें मॉडरेट्स की डिमांड थी कि दो हों, लेकिन दो तो नहीं रखा उन लोगों ने, एक बोला कि एक रखेंगे इंडियन इसमें, ठीक है। तो वो एक इसमें इंडियन में इंक्लूड किया गया। चौथा है, इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किए गए मुस्लिम के लिए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं क्या वो देखते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वॉज नॉट अ मेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर, इट डिवाइडेड कैंडिडेट्स, वोटर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन रिलीजियस लाइन्स अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर नॉट टेरिटोरियल बट रिलीजियस, दस इट इंस्टीट्यूशनलाइज द कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो ऐसे था क्या, जैसे कि एक क्या किया गया, जैसे कि मान लीजिए कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लीजिए कि चांदनी चौक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अब चांदनी चौक में मुस्लिम्स भी होंगे और हिंदू भी होंगे, ठीक है, और उसमें जैसे कि मान लीजिए कि
कोई जो भी चुनाव के लिए खड़ा हुआ, ठीक है, कोई पार्ट कोई खड़ा होगा ना चुनाव के लिए, तो एक बंदे तो खड़ा नहीं होगा, तो दो तीन खड़े होंगे, मान लीजिए दो खड़े हुए, ये हिंदू ये है मुस्लिम, चांदनी चौक जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, और इसमें एक ये बंदा हिंदू और ये है मुस्लिम्स, तब है क्या, मान लीजिए हिंदू लोग हैं और ये मुस्लिम लोग हैं, तो जो हिंदू लोग हैं वो हिंदू को ही वोट कर सकते हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं वो सिर्फ मुस्लिम को वोट कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम को नहीं कर सकते और मुस्लिम लोग हिंदू वाले को वोट नहीं कर सकते, ऐसा था सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा दिल्ली दरबार के बारे में। तो दिल्ली दरबार इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी में जो कैपिटल है वो दिल्ली शिफ्ट किया गया पहली बार। इन 1911 अ लॉर्ड हार्डिंग हेल्ड अ दरबार इन दिल्ली, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने दरबार लगाया दिल्ली में। इट वॉज अटेंडेड बाई द ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड अ क्वीन मैरी। इन दिस दरबार द फॉलोइंग थिंग वॉज अनाउंस्ड, पहला चीज़ अनाउंस हुआ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड, दूसरा इट वॉज अनाउंस दैट द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वुड शिफ्ट इन न्यू दिल्ली 1912। तो 1912 में ये जो है कैपिटल शिफ्ट की गई दिल्ली पहली बार, और तब से आज भी ये एक दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि पहले तो किसने ऑर्गेनाइज़ करवाया दरबार, लॉर्ड हार्डिंग ने, और एक किसने अटेंड किया, जॉर्ज फिफ्थ और मैरी ने, और कब ये शिफ्ट हुआ दिल्ली कैपिटल, 1912 में। हो सकता है आपको 1911 भी मिले, अगर 1912 ऑप्शन में नहीं है 1911 तो आप 1911 ही लगाएंगे, अगर है दोनों तो 1912, क्योंकि ऑफिशियली 1912 में शिफ्ट हुआ। अब देखते हैं होम रूल मूवमेंट क्या है। होम रूल मूवमेंट, तो तिलक रिटर्न टू इंडिया इन 1914 एंड मेड एफर्ट्स फॉर गेटिंग एंट्री। अब देखिए 1914 में लौटे, कहाँ से लौटे, मांडले जेल से लौटे। अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मांडले जेल जो कि बर्मा में, वहाँ पर इनको 6 साल के लिए जेल भेजा गया। कब भेजा गया, 1908 में भेजा गया। तो 1908 में भेजा गया तो 6 साल की जेल काटेंगे, तो कब छूटेंगे, 1914 में, 14 में छूटे। और इन्होंने एफर्ट किया कि कांग्रेस में इनको जगह मिल जाए, इनको बुला लिया जाए, लेकिन कांग्रेस वालों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो उसी समय इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाया कि जो कांग्रेस है इस समय बहुत ही वीक है, वो वीक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड जो कि जिसका लोगों से इस समय कोई लगाव नहीं है, कोई टच नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि लोगों से इनका टच हो। देयर फॉर तिलक स्टार्टेड हिज HRM यानी कि होम रूल मूवमेंट सेपरेटली फ्रॉम द कांग्रेस इन अप्रैल 1916। तो 1916 में उन्होंने अपना एक अलग मूवमेंट चालू किया, होम रूल मूवमेंट 1916 में। एनी बेसेंट ने भी अपना एक होम रूल मूवमेंट चालू किया, जो कि कांग्रेस की मेंबर थी, 1914 में बनी। तो उन्होंने एक शी सॉ मेटाफोरिक राइज इन द कांग्रेस, शी ऑल्सो मेड एफर्ट्स फॉर यूनाइटिंग द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो उन्होंने एफर्ट किए कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट 1907 में जो अलग हुए थे, अभी मैंने बताया, तो उनको साथ लाया जा सके, लेकिन ऐसा उसमें वो कामयाब नहीं हुई। तो उन्होंने अपना एक अलग HRM यानी कि होम रूल मूवमेंट खोला, वॉज अ मूवमेंट टू एजुकेट मासेज। अभी क्या था होम रूल मूवमेंट, इट वॉज अ प्रोग्राम टू एजुकेट द मासेज रेगुलरली रिगार्डिंग सेल्फ रूल। तो सेल्फ रूल के रिगार्डिंग लोगों को उसमें बताना, जागरूक करना। इन अर्ली 1915 शी हैड स्टार्टेड पॉपुलराइजिंग द डिमांड ऑफ सेल्फ रूल थ्रू हर टू न्यूज़पेपर्स। तो सेल्फ रूल उन्होंने ये जो मूवमेंट है इसको किस तरह से फैलाया, दो उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किया, एक का नाम था न्यू इंडिया और दूसरे का था ना कॉमन व्हील, कॉमन व्हील। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन बोथ द लीडर्स had demarcated their areas of activity to avoid confusion, यानी कि लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन ना रहे कि किसका होम रूल मूवमेंट हम फॉलो करें, तिलक वाला कि एनी बेसेंट वाला। तो उन्होंने अपने जो एरियाज़ हैं वो डिमार्केट कर लिया, यानी कि सेपरेट सेपरेट जगह में इन्होंने अपना होम रूल मूवमेंट चलाया। जैसे कि तिलक सचारम वॉज टू ऑपरेट इन महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, कर्नाटक, CP एंड बैराग। तो इन जगहों में तिलक का जो होम रूल मूवमेंट चलेगा, और जो बाकी जगह है इनको छोड़ के वहाँ पर एनी बेसंत का होम रूल मूवमेंट चलेगा। द मेंबर्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इस्टेब्लिश बाय GK गोखले ने गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 फॉर सोशल सर्विस वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन HRM। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जिसको गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 बनाया था सोशल सर्विस के लिए, उसके मेंबर्स इसमें अलाउड नहीं थे होम रूल मूवमेंट में, आपको पता होना चाहिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ होम रूल मूवमेंट क्या थे। ठीक है, धन्यवाद।